गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज सुबह हम लोग लखनऊ से बात कर रहे हैं और आप लोगों को गुड मॉर्निंग लखनऊ से विश कर रहे हैं। तो आज अभी देखिए, यहाँ पे हम लोग होटल गुमती में रुके हैं। स्टेशन से बहुत ही पास है, 15 मिनट का रास्ता है और 122 ऐसा चार्ज किया है उबेर ने। तो हम लोग आ गए हैं, होटल भी ठीक ठाक है, आप लोगों को दिखाया मैंने कल। तो होटल अच्छा है और रात को नींद भी अच्छे से आया। और अभी हम लोग रेडी होके ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग घूमने जाएंगे ना। हाँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे लखनऊ में क्या है। खाने में तो बहुत अच्छा अच्छा चीज़ है, तो देखते हैं, चलिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, दिल्ली में भी गर्मी है लेकिन ये ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है। और स्वेटर्स बिल्कुल नहीं लग रहा है, और फरवरी का एंड है और बिल्कुल स्वेटर नहीं चाहिए। ऐसे ही हम लोग घूम सकते हैं, बेकार में इतना स्वेटर लगेज में, मतलब लगेज पैक किया ज़्यादा, तो इतना नहीं चाहिए। नॉर्मल गर्मियों जैसा ही वेदर है। तो चलिए, ब्रेकफास्ट जब करेंगे तब आपको दिखाएंगे कि ब्रेकफास्ट में क्या कर रहे हैं। टेरेस टाइप का, बाहर में हल्का हल्का ठंडा है, अच्छा लग रहा है। आसपास बहुत सारा घर है, बहुत सारा। ये लोकेलिटी बहुत अच्छा है। हम लोग जब कल रात को उबेर से आ रहे थे तो सब लोग बता रहे थे कि आप जहाँ पे ठहरे हो यहाँ पे अच्छा है लोकेलिटी। ये देखिए, ये है नवाब वाजिद अली शाह का पिक्चर, जो लखनऊ से कोलकाता में आए थे और इनके लिए ही ये बताए थे। तो इनके लिए ही कोलकाता जो बिरयानी है, स्पेशल आलू है उसमें अंडा है, तो वो बिरयानी का शुरुआत हुआ, मतलब बनाना स्टार्ट किया लोग वैसे टाइप का बिरयानी। तो इनका आइडिया था वो कि कोलकाता बिरयानी कैसा होगा। आलू गोभी का सब्जी है ना? हाँ, आलू गोभी नहीं, सिर्फ आलू का ही सब्जी है। आलू का सब्जी, आलू मटर का सब्जी है, ये आलू का सब्जी है। पूरी है, पूरी है, चटनी भी है, पूरी है। और ये देखिए, ये वेज रोल है और ये है ब्रेड सैंडविच। अच्छा, सैंडविच बना हुआ है, अंदर मेयोनीज और हाँ, और इसके साथ ऑमलेट है। वाओ, अच्छा ब्रेकफास्ट है। तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके ब्रेकफास्ट ले लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं, ठीक है? आज हम लोग का नेक्स्ट दिन है लखनऊ में, तो हमने आज चेंज कर लिया है होटल, क्योंकि गोमती का खाना उतना अच्छा नहीं था, हमें अच्छा नहीं लगा। बेड तो ठीक ठाक था, रूम भी मतलब साफ़ था, लेकिन बाथरूम बिल्कुल साफ़ नहीं था, अच्छा नहीं लगा हमें, फिटिंग का अच्छा नहीं लगा। तो हमने चेंज कर लिया होटल और हम लोगों ने शिफ्ट हो गया आज ये फेयरफील्ड मैरियट में। आप लोगों को अपडेट दे रहे हैं, देखिए ऐसा है। और पास में जितना मतलब अच्छा अच्छा शोरूम्स सब कुछ यहाँ पे है। गोमती का होटल, गोमती का जो लोकेशन है वो ज़्यादा अच्छा था, और ये थोड़ा पॉश एरिया है लेकिन ये भी अच्छा है। इसमें भी यहाँ पे भी सब बगल में सब एक बड़ा मॉल है और सब शोरूम्स यहाँ पे है। तो हम लोगों को तो शोरूम में घूमना नहीं है, क्योंकि हम लोगों को तो जाना है लखनऊ मार्केट शॉपिंग करने के लिए, मतलब एकदम यहाँ का जो चालू मार्केट है जहाँ पे लखनऊ चिकन मिलता है। तो देखते हैं क्या होता है, आप लोगों के साथ सब शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो हम लोगों का अलग कार था, हमने आ गया, लेकिन हम लोगों के साथ जो है वो लोग अभी तक नहीं आए, वो लोग आएंगे अगले कार से। तो देखिए होटल ऐसा है, आप लोगों को दिखा, ये इतना बड़ा ऐसा है। तो ये देखिए मैरियट फेयरफील्ड का रूम कैसा है, बैठ कर देखे जाओ।
ये देखिए, ये है मेन रोड और यहाँ पे मेन रोड के अंदर एक कबर्ड है स्टोरेज सब रखने के लिए। हाँ दीछे, और हाँ ये देखिए सामान रखने की थोड़ा सा जगह है, आप कबर्ड के अंदर भी रख सकते हैं। और ये एक टी के लिए एक अरेंजमेंट है, तो एक इलेक्ट्रिक केटल है, दो कप्स है, अच्छा अच्छा चाय की फ्लेवर वाला टी है, देखिए क्या है। और तो देखिए ऐसा एक बड़ा साइज का किंग साइज का बेड है, और बेड के ठीक ऊपर बड़ा इमामबाड़ा और रूनी दरवाज़ा का पिक्चर है, जो हमने सुना है बहुत ही अच्छा है, जिसके लिए लखनऊ में लोग आते हैं, तो कल हम लोग देखने वाले हैं वो, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। और ये देखिए, ये दो साइड टेबल लैम्प है, मतलब टेबल लैम्प नहीं, बुक पढ़ने के लिए लैम्प है। ये यहाँ पे एक काउच टाइप का है, और यहाँ पे एक बड़ा वाला विंडो है, देखिए और व्यू अच्छा देखिए यहाँ से पूरा, बहुत ऊपर ऊपर है हम लोग, तो ऊपर से 8th floor है ना, हम लोग 8th floor में है ना, 8th floor से व्यू देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो अभी हम लोग जाएंगे घूमेंगे, और एक यहाँ पे स्टैंडिंग लैम्प है, स्टैंडिंग लैम्प है देखिए, अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है, हमें अच्छा लग रहा है। हम लोग मैरियट के, मैरियट बॉनवॉय के रेनेसा में लखनऊ में स्टे किया है, जो आप लोगों से शेयर नहीं किया है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा था, और ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये सेम है, सेम ऑलमोस्ट सेम है, और आप लोगों को बाथरूम भी दिखाई। हाँ बाथरूम अभी देखिए, बाथरूम है यहाँ पे, वॉशरूम वॉश बेसिन है यहाँ पे, शावर एरिया नहीं वो बात है लिया। हाँ तो बहुत ही सुंदर है, और अभी हम लोग और यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर है। बहुत अच्छा है, लखनऊ ही नवाब का कबाब, तो कौन देगा तुझे कबाब, उठ जा सिम सिम आइला। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कबाब तो कबाब लंच में खाएंगे हम लोग। चेक इन करके लगेज वगैरह सब कुछ रख के हम लोग बाहर आ गए हैं, और अभी हम लोग जाने वाले हैं घूमने, लखनऊ घूमेंगे। तो पहले सोच रहे थे कि थोड़ा सा कुछ खा ले कबाब, और कबाबों के शहर में आए तो कबाब तो खाना चाहिए, तो हम लोग टुंडे कबाब में जा रहे हैं। चलिए तो जाने के बाद आप लोग को अपडेट देंगे कि क्या क्या खा रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं। कबाब नहीं खाएंगे तो क्या होगा। यस, तो अभी 12:30 हो भी रहा है, तो हम लोग थोड़ा हल्का फुल्का लंच टाइप का करके हम लोग निकलेंगे, फिर घूमेंगे, इमामबाड़ा जाएंगे, तो देखते हैं। चलिए बहुत सारी जगह जाएंगे। हाँ बहुत सारा जगह जाएंगे, तो चलिए मैरियट से ऑटो कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे मैरियट है, और मैरियट के ठीक नीचे ही ऑटो मिल रहा है यहाँ से। ये आपको बाद में लोकेशन मैं बता दूंगी कि मैरियट का लोकेशन कहाँ है। यहाँ से टुंडे कबाबी तक ऑलरेडो 7 to 8 kilometers है, और वो लोग चार्ज कर रहे हैं 150 rupees, मतलब 200 मांगा था, लेकिन हमने बोला कि नहीं हम लोग 150 देंगे, तो वो लोग राज़ी हो गया। तो हम लोग पहले, आप लोग सावधानी से रहेंगे, क्योंकि लोग कोई कोई ऑटो वाला बोल रहे थे कि आप लोगों को चिकन करी का चूड़ीदार के पीस के दुकान में लेके जाएंगे ये सब, लेकिन नहीं हमने बोला कि नहीं, हमें सिर्फ खाना खाने के लिए जाना है, तो हम लोग अभी नहीं लेंगे वो सब, क्लोथ्स के मार्केट में नहीं जाएंगे, तो शॉपिंग नहीं करना है हमें। तो वो लोग ठीक है, बोला कि ठीक है चलिए। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं ऑटो के लिए, एक ऑटो तो है और एक ऑटो आ रहे हैं, तो चलिए ऑटो से चलते हैं और लखनऊ घूमते हैं। चलिए हम लोग बैठ गए हैं ऑटो में और जा रहे हैं कबाब। आगे आओ।
ये देखिए टुंडे कबाबी में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज खाने के लिए आए थे तो उनका ही पिक्चर यहाँ पे रखा हुआ है, तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, लेकिन पिक्चर उतना क्लियर नहीं आ रहा है। और ये अंदर का सीटिंग अरेंजमेंट है, ऊपर भी सीटिंग अरेंजमेंट है और नीचे भी, तो हम लोग नीचे ही जाएंगे क्योंकि ऊपर पूरा फिलअप हो गया है और नीचे भी काफ़ी भीड़ है। तो चलिए ढूंढते हैं कहाँ पे बैठेंगे, 6 लोग हैं हम लोग, तो देखते हैं कहाँ पे बैठते हैं। तो अभी बैठ गए हैं, ऑलमोस्ट हम लोग को सीट मिल गया है और हम लोग बैठ गए हैं। और बगल में फिश है, एक्वेरियम है, तो ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि क्या ऑर्डर करेंगे। दाल चावल खा रहे हैं और टुंडे कबाब के 2-3 दुकान आगे दाल चावल मिल गया है। देखिए ऐसे पैकिंग करके आया है, तो आप लोगों के साथ अगर छोटा छोटा बच्चा रहेंगे, आप लोग जो लोग ये नहीं खा सकते वो लोग ज़रूर ये दाल चावल खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बड़े लोग यहाँ पे खाइए, एंजॉय करिए और बच्चे को दाल चावल खिलाइए, शरीर भी अच्छा रहेगा, पेट भी अच्छा रहेगा, सब कुछ सही रहेगा। टेंगरी कबाब का, टुंडे कबाब का खाना सच में अच्छा था। और इतना खाते खाते हम लोग असली खाना जो गलौटी कबाब वो लेना ही भूल गए पिक्चर, लेकिन आपको सच में बता रहे हैं गलौटी कबाब बहुत 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 अच्छा है और सबको खाना चाहिए, ये बहुत ही टेस्टी है। ये चिकन बिरयानी है और ये मैं खाने वाला। अच्छा है, थोड़ा सा झाल है ना, थोड़ा सा स्पाइसी तुमको लग रहा है, लेकिन जो स्पाइसी खाने वाले हैं उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो अच्छा ही लग रहा है बिरयानी, लेकिन स्पाइसी है। टुंडे कबाबी के ठीक बगल में एक बहुत अच्छा पापड़ का दुकान मिला, वहाँ से मैं पापड़ और चाउमीन ले लिया। और उन इस सब के बाद हम लोग जाएंगे ब्रिटिश रेसिडेंसी, जो बहुत ही अच्छा हिस्टोरिकल एक प्लेस है, और आप लोगों से सब कुछ शेयर करेंगे, लेकिन यही वीडियो पे डालेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आज के लिए बाय बाय, सी यू।